हे गाइस, फूड ऑफ कानपुर चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं पी रोड में भरखंडेश्वर चौराहे के पास। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, हम हैं मुन्ना समोसा में। ये जो आप चौराहा देख रहे हो, ये है भरखंडेश्वर चौराहा। इधर मंदिर है, उसी नाम पे ये चौराहा पड़ा हुआ है, और उसके जस्ट सामने जब आप इधर आओगे, मुन्ना समोसा। तो चलिए अब आपकी सबसे पहले बात कराते हैं जो मुन्ना समोसा के ओनर हैं, अर्पित भाई। याद करिए, 3 साल पहले या 3.5 साल पहले मैंने जवाहर नगर का एक वीडियो बनाया था, लगभग उसमें 70 से 75 हज़ार लोगों ने देखा था। तो जैसा प्यार उस वीडियो में लोगों ने बनाए रखा था, आप लोगों ने करा था, वैसे इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। मकसद ये था कि मैं आप कुछ नया करूँ, जैसे आपकी डोसे की वैरायटी है, यहाँ पे 11 प्रकार के डोसे मिलते हैं, और इसमें मटकी डोसा है, पिज्ज़ा डोसा है, पिज्ज़ा चीज़ डोसा है, और आपका बॉम्बे तवा पुलाव है, जिनी डोसा है। ये सब हमने कानपुर में लाए, जो यहाँ पे आपको कहीं दिल्ली देखने को मिलेगा नहीं। और इसमें आपकी वैरायटी भी अच्छी अच्छी हैं, समोसे भी हैं, हमारे पास समोसे की वैरायटी भी हैं। हमारे तीन शॉप हैं, पहली नेहरू नगर में है जिसका आप इंटरव्यू ले चुके हैं पहले, और दूसरी गोविंद नगर में, तीसरी यहाँ खोलिएगा नेहरू नगर में। और भी अभी विचार बनना है खोलने का, बाकी अभी आप देखिएगा कैसे बनना है। ये आज आप क्या कुछ नया लेके आए हैं? आज हम लाए हैं मटकी डोसा। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये मटकी बनता है, इसमें आपकी पनीर की भुज्जी पड़ती है, और कैप्सिकम पड़ते हैं लाल पीले हरे तीनों, प्याज है, चीज़ है, टमाटो सॉस है, काफ़ी आइटम पड़ते हैं। मतलब इस बार इस जो शॉप का जो मेन फोकस है वो डोसे पे जाता है? डोसे पे जाता है, बाकी इस काम पर हमारा छोटा भाई हमारा साथ देता है। बाकी हम स्पेशली आपको प्रेफर करना चाहेंगे पिज़्ज़ा चीज़ डोसा। जो लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो नीचे का बेस मैदे का रहता है, हमारे यहाँ चावल का बेस रहेगा एज इट इज़, जैसे डोसा बनता है, तो उसमें कोई नुकसानदायक चीज़ भी नहीं है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा डोसा इसका प्राइस क्या है? 150। मटकी डोसा 250। एसी लगा हुआ है और बैठने की अच्छी व्यवस्था है। तो डोसा की बहुत सारी वैरायटी, जैसे जीनी डोसा हो गया, पिज़्ज़ा डोसा, मैसूर डोसा, और ये मटकी डोसा जिसके लिए खास भैया ने बुलाया था मुझे, अपने कानपुर में गंगा बैराज के पास आई लव कानपुर करके लिखा, उसी से इंस्पायर होकर भैया ने बनाया आई लव मुन्ना समोसा। तो यहाँ पे खड़े होकर आप सेल्फी भी ले सकते हो। स्मार्ट लग रहा है, चश्मा पहन के। क्या नाम है भैया आपका? मैं सूर्यांत गुप्ता, कानपुर वाला। अच्छा, मैं मुन्ना भैया के स्टाइल में मुन्ना भैया की दुकान में आया हूँ खाना खाने, बहुत टेस्टी खाना है, आप सब लोग भी आइए एक बार। आज क्या एंजॉय कर रहे हैं? आज इडली सांभर। इडली सांभर मिरिंडा। मैं आकाश मिश्रा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे स्वाद है इसका, और समोसा खाने का मन था लेकिन भाई लोगों ने कहा कि आज इडली सांभर खाते हैं, तो फिर हम लोगों ने इडली सांभर का स्वाद दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरा नाम आयुष मिश्रा। तो आज क्या एंजॉय किया आपने? आज हम लोगों ने इडली सांभर एंजॉय किया। क्या नाम है? शादाब। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चीज़ें ग्रेट करके डाली गई है इधर, ये चिली फ्लेक्स है, धनिया, टमाटो और मटर की है, प्याज, कैप्सिकम और भी इधर मसाले कुछ हैं, और ये मटकी है। चलिए भैया शुरू करिए। पूरा बैटर तैयार हो गया है, ये बाउल में आ गया, अब जाएगा माइक्रोवेव में, 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव के अंदर जाएगा, उसके बाद फिर बाहर निकले। मटकी को गर्म किया जा रहा है। तो ये अपना जो बैटर है वो आ गया है, ओवन से निकल के अभी इस मटकी के अंदर डाला जाएगा। जो पेपर है डोसे का वो तैयार हो रहा है। अब मेन जो क्रिएटिविटी है वो इसी में है, थोड़ा सा बटर डाल दिया गया है, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज और टोमेटो सॉस, तीनों चीज़ें इसमें पड़ गई हैं। रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, अब इसको हल्का सा कट कर दिया गया साइड से। थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी गई ऊपर से, स्प्रिंकल करी गई कोरिएंडर है, धनिया वो, और आखिरी जो टच दिया जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ है उसको ग्रेट किया जा रहा है। यूनिक चीज़ है, यूनिक तरह का डोसा आया, इस तरह से मैंने देखा नहीं, वीडियोस में तो मैंने देखा था और अदर सिटीज़ का, लेकिन कानपुर में भी आ गया है मुन्ना समोसा के यहाँ। ये अपने पास आ गया है मुन्ना समोसा वालों का मटकी डोसा। नीचे ये मटकी है और इधर ये सांभर सॉसेस और जो रायता है, या इसको आप चटनी बोल सकते हैं, और ये ऊपर जो चोंगे के आकार का है मेन बैटर इसके अंदर है, जो चीज़ का है, और भी कई तरह की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। पहले ये डोसा ऐसे था, इसको खा के मैंने यहाँ पे रखा है, और इसको थोड़ा सा मैं अभी ऐसे, वो पेपर होता है वो एकदम क्रिस्पी है, हल्का हल्का इसमें टेंगी का फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि इसमें सॉसेज डाले गए थे, मेयोनीज डाले गए थे, उसका
और साथ में जो चीज़ ऊपर से ग्रेट करी गई वो हल्की हल्की मेल्ट हो गई, क्योंकि ये डोसा पेपर डोसा था ये गर्म था, थोड़ा सा ये बैटर है मिक्स, इसको ऐसे ही खाते हैं। जो मेन फ्लेवर है वो चीज़ का है, और टमाटो अनियन इसके बीच बीच में आपके स्वाद बहुत बढ़ाएगा, और जो हल्का सा टैंगी फ्लेवर है वो उसमें सॉस डाल देंगे उसका है। 250 रुपये इसका प्राइस है। तो डेट किस बात की है, अगर आप कानपुर में हैं और मुंबई या अदर सिटी का डोसा किस तरह के वहाँ बनते हैं, अगर आप यहाँ इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप सीधे आइए मुन्ना समोसा जो पी रोड में पड़ता है। तो भाई है हमारे राहुल भाई और शुभम भाई, चलिए इनसे पूछते हैं, इन्जॉय करिए फिर बताइए स्वाद कैसा है। बहुत डिलीशियस था, मैं ऑलरेडी बॉम्बे से हूँ। अच्छा हाँ, तो ये डोसा मैंने वहाँ पर तो खाया ही है, पूरे कानपुर शहर में अभी तक कोई मटकी डोसा नहीं थी, कहीं मैंने देखा नहीं है। हाँ, दो दिन पहले मुझे पता चला कि यहाँ पे ये मिलता है, क्योंकि इनके यहाँ समोसा मैं बहुत पहले से खा रहा हूँ, आज से नहीं बचपन से खा रहा हूँ। इनका समोसा तो है ही अच्छा, लेकिन उन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है मटकी डोसा, बहुत अच्छा लगा हमें। पहले कभी नहीं खाया कानपुर में। जी कानपुर से हूँ मैं। जी जी मटकी डोसा मैंने पहली बार खाया है और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग कानपुर में हैं तो इसका एंजॉय करिए। तो मटकी डोसा है, मैंने एंजॉय कर लिया, बढ़िया लगा। एक बार फिर से आपको प्राइस बता दे रहे हैं 250 रुपये। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अब मैं आपसे मिलता हूँ कानपुर के फिर किसी गली में किसी अच्छे जायके की तलाश में। तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल और अपने आस पास साफ सफाई रखें।